प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। एक ऐसी प्राकृतिक ताकत जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं, वो रहस्य 800 साल पुराना है और उस रहस्य से जुड़ा है एक ऐसे बाबा की कहानी जो बिच्छू के साथ रहते थे। चौकैना, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 800 साल पुराने दरगाह की। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 800 साल पुराना रहस्य, शक्तिशाली पीरों की दरगाह, बिच्छुओं से बाबा का खास नाता, दरगाह में इबादत करते बिच्छू, इंसानों और बिच्छुओं का दोस्ताना, अपनी डंक मारने की प्रवृत्ति को भूले बिच्छू, प्राकृतिक शक्तियों का अजब गजब करिश्मा। हमने बहुत सी प्राकृतिक शक्तियों के बारे में सुना है और महसूस भी किया है, पर उन शक्तियों के बारे में कोई भी जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। ये शक्तियां लोगों के दिमाग को कश्मकश में डाल देती हैं और ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई किसी प्राकृतिक शक्ति में इतनी ताकत होती है कि वह किसी जानवर को उसकी प्रवृत्ति भुलवा दे। जी हाँ, आज हम आपको बताते हैं इबादत की एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ बड़ी संख्या में बिच्छू हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के अमरोहा के हजरत सैयद शाह साहब की दरगाह की। ये दरगाह करीब 800 साल पुरानी है। यहाँ जिन रास्तों पर अकीदत के लिए जाते हैं, वहाँ हर जगह बिच्छू घूमते रहते हैं। जिस दरगाह में दुआ मांगने जाते हैं, उसकी दीवारों पर बिच्छू हैं। लेकिन ये बिच्छू किसी को काटते नहीं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब है, पर सच है। अमरोहा की इस दरगाह को लेकर कई कहानियां मशहूर हैं, लेकिन इन कहानियों में बाबा हजरत सैयद साहब की एक कहानी बहुत मशहूर है। क्या है इस मशहूर कहानी का सच, चलिए जानते हैं। हमने आज तक यही सुना है कि सांप और बिच्छू की प्रवृत्ति काटने की होती है। बिच्छू के डंक में इतना जहर होता है कि बिच्छू के काटने के बाद अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो कुछ देर में इंसान की मृत्यु तय होती है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा की हजरत सैयद शाह साहब की दरगाह में बिच्छू काटते नहीं। यहाँ कदम कदम पर बिच्छू रेंगते हैं, पर किसी को भी डंक नहीं मारते। ये बड़ी ही दिलचस्प बात है, बल्कि आम पालतू जानवरों की तरह इंसान से दोस्ती कर लेते हैं और उनके साथ खेलते हैं। इस दरगाह में लोग दूर दूर से दुआ मांगने आते हैं, लेकिन किसी के मन में बिच्छू के काटने का कोई खौफ नहीं पैदा होता, क्योंकि वो जानते हैं ये बिच्छू वाले बाबा की मजार है। यहाँ पर बिच्छू का रिश्ता इंसानों के साथ दोस्ताना है। आपको बता दें, यहाँ मौजूद बिच्छू कोई मामूली बिच्छू नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छू हैं। इनके डंक में इतना जहर है कि अगर ये बिच्छू किसी को काट ले तो उसका बचना बहुत ही मुश्किल है। और बिच्छू की तो प्रवृत्ति ही होती है जरा सी आहट में डंक मारना। बिच्छू वाले बाबा की इस मजार में लोग नंगे पैर चलते हैं, बेखौफ होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। इन्हें बिच्छुओं का कोई डर नहीं। यहाँ लोग बिच्छुओं के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे कोई आम जानवर। बिच्छू के डर से बेखौफ होकर लोग यहाँ टहलते हैं। लेकिन सब बातों में सबसे अहम बात तो यह है कि इन बिच्छुओं को आखिर हुआ क्या? क्या ये बिच्छू अपना स्वभाव भूल गए हैं, या इन पर किसी तरह का कोई असर है? क्या इन बिच्छुओं का डंक हटा दिया गया है, या इनका जहर खत्म हो चुका है? कैसे इंसान इन बिच्छुओं पर इतना भरोसा कर रहे हैं? आखिर इन बिच्छुओं की कहानी क्या है? ये बिच्छू ऐसे क्यों हैं? ये किसी को काटते क्यों नहीं है? और ऐसा कब से हो गया कि किसी जगह से प्रभावित होकर बिच्छुओं ने काटना ही छोड़ दिया? आइए जानते हैं कैसे लोग बेखौफ होकर यहाँ आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा की हजरत सैयद शाह साहब की दरगाह के बारे में बात करें तो इस दरगाह को लेकर कई किस्से कहानियां मशहूर हैं। यहाँ की कहानियां अक्सर लोगों के लिए चर्चा का विषय बनती हैं। कई कहानियां मशहूर हैं। वैसे तो अमरोहा आमों के लिए भी मशहूर है,
लेकिन लोग इसे ज्यादातर बिच्छू वाली मजार की वजह से जानते हैं। इस बिच्छू वाले दरगाह की कहानी करीब 800 साल पुरानी बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि उस दौर में सैयद सरबुद्दीन शाह साहब जब अरब से ईरान आए थे, तब उन्होंने वहां बसने का फैसला किया। उनके इस फैसले से वहां पहले से रह रहे बाबा शाह नसरुद्दीन ने आपत्ति की। उनको सैयद सरबुद्दीन साहब के वहां बसने से सख्त ऐतराज था, जिसके बाद बाबा नसरुद्दीन ने एक कटोरे में पानी भरकर हजरत शाह साहब को भेजा, जिसके जवाब ने हजरत शाह साहब ने कटोरे के पानी के ऊपर फूल रखकर वापस बाबा नसरुद्दीन को भेज दिया। एक दूसरे को पीछे हटाने के लिए मजबूर करने का यह सिलसिला ही अमरोहा में बिच्छुओं के आने का जरिया बना। शाह नसरुद्दीन साहब ने इस बात से नाराज होकर हजरत शाह साहब को एक श्राप दे दिया। उन्होंने शाह साहब को श्राप दिया कि जहां वह रहेंगे उस जगह पर बिच्छू और सांप पाए जाएंगे। जिसके बाद शाह साहब ने एक चमत्कार किया और घोषणा कर दी कि वहां मौजूद बिच्छू और सांप किसी को काटेंगे नहीं। जिसके बाद लोगों को हैरान कर देने वाली एक ऐसी बात हुई जो आज भी लोगों को अचंभे में डाल देती है। दोनों पीरों की बात पूरी हुई, दोनों ही पीरों के आदेश स्वीकृत हो गए और तब से ये दरगाह बिच्छू वाले बाबा की दरगाह के नाम से मशहूर हो गई। आपको बता दें कि इस मजार के कोने कोनों में चारों तरफ बिच्छुओं की मौजूदगी किसी से छिपी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि यह बिच्छू जहरीले नहीं, बस ये बिच्छू काटते नहीं है। दरगाह के अंदर ये बिच्छू अपना स्वभाव भूल जाते हैं, लेकिन दरगाह के बाहर बिना इजाजत ले जाने पर काट भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ मौजूद बिच्छू ही यहाँ नहीं काटते, बल्कि बाहर से लाए गए बिच्छू भी यहाँ आकर अपना स्वभाव भूल जाते हैं। कितना भी जहरीला बिच्छू हो या कितना भी खतरनाक हो, सभी बाबा की इबादत में लीन हो जाते हैं। यहाँ आते ही वह इतने मग्न हो जाते हैं कि वह अपना मूल स्वभाव भूल जाते हैं। यहाँ के बिच्छू बाबा के आदेश के मुंतजर होते हैं। ये इतने आज्ञाकारी होते हैं कि सिर्फ बाबा की आज्ञा पर ही किसी के साथ जाते हैं और तय समय सीमा तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन तय मुद्दत के पूरे होते ही वे तुरंत काट लेते हैं। आज तक कभी भी यहाँ आए किसी भी इंसान को बिच्छू ने डंक नहीं मारा। मजार पर आने वाले अकीदतमंदों का ऐसा मानना है कि मजार की आबो हवा ही ऐसी है कि यहाँ आने पर किसी के भी जहन में मौजूद सभी बुरे ख्यालात खत्म हो जाते हैं। वहीं इस मजार में बिच्छुओं की बदली आदत को कोई हजरत शाह साहब का चमत्कार बताता है तो कोई कुदरत का करिश्मा। लेकिन जो भी हो, ये वाक्या ऐसा है जिस पर यकीन आसानी से नहीं हो सकता, लेकिन आंखों देखी बात को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। इन किस्से कहानियों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है। ऐसे कई तथ्य सामने आते रहते हैं। प्राइम टीवी ऐसे किसी भी तथ्यों की पुष्टि नहीं करता, पर हर इंसान इन रहस्यों के बारे में जानकारी से रूबरू होना चाहता है। आगे भी हम ऐसे ही रहस्यों की पड़ताल करेंगे। जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ और जानते रहिए ऐसे रहस्यों के बारे में जहां तक इंसान का पहुंचना नामुमकिन है।